हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं परीक्षा पे चर्चा का नया एडिशन का सर्कुलर। तो ये सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और इसके अंतर्गत क्या होगा चलिए देखते हैं। हर साल जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ा जो स्ट्रेस का विषय है हमारे लिए हम सभी के लिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं और वो है परीक्षा। तो एग्जाम के रिलेटेड जो भी हमारा स्ट्रेस होता है, एग्जाम के रिलेटेड जो भी हमें समस्याएं रहती है उसके बारे में मार्गदर्शन और उसके बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन यहाँ पे होता है। तो ये हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो है वो एडिशन रहेगा एडिशन 7। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैंने रजिस्टर कर लिया है और मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं द 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। इंटरेक्टिव प्रोग्राम ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स विल बी हेल्ड इन टाउन हॉल फॉर्मेट। तो टाउन हॉल फॉर्मेट में ये होता है तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो ये जनवरी फरवरी में होने की संभावना है और जनरली जनवरी फरवरी में हर साल होता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देना होगा। इस एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। तो ये कंपटीशन की तरह भी यहाँ पे होगा। तो ये इस लिंक पे जाने के बाद आपको मिलेगा। ये मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे इसको। तो जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे अभी नल दिखा रहा है, लेकिन पीपीसी इनोवेटिव इंडिया ये सुबह तो मैंने किया है इसको। चलिए इसको बाद में अभी देखते हैं कि लिंक क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई रीजन हो सकता है इसका नल आ रहा है। तो अभी सर्वर का एरर है, चलिए कोई बात नहीं। पर इस लिंक पे जाकर के आप कर सकते हैं। इस लिंक पे जैसे जाएंगे आपको मिलेगा। अभी हम गूगल से कोशिश करते हैं कि गूगल से परीक्षा पे चर्चा चलता है या नहीं। PPC 7 PPC 2024 या 7 जो भी बोले परीक्षा पे चर्चा यहाँ पे। ओके, तो वेबसाइट में ही कोई इश्यू है, यहाँ पे सर्वर पे ही कोई गड़बड़ है। चलिए यहाँ पे ये अभी आ रहा है अबाउट और वो सब देखते हैं क्या क्या है। इट्स वेरी सिंपल रिवॉर्ड पीपीसी पार्टिसिपेट नाउ करते हैं। ओके, तो इसके मेन पेज पे कोई इश्यू है अभी सर्वर की साइड से, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे एक्टिव होगा आप उस पे जाके कर सकते हैं। तो 12 दिसंबर से यहाँ पे लिखा है 12 जनवरी तक रहेगा। और चिल्ड्रन जो भी क्लास 6 to 12 में पढ़ रहे हैं, पहले 9 to 12 आता था, अभी 6 to 12 हो गया। तो 6 to 12 जो भी पढ़ते हैं वो और पेरेंट्स और टीचर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, और उसमें एक जगह भी दी है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उसमें आप परीक्षा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने मेरा क्वेश्चन डाल दिया है, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जो भी इसमें से शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे बुलाया भी जाएगा और वो भी प्रोग्राम होगा उसमें इन्वाइट किया जाता है। और इसमें जो आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट मेरा आ चुका है तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो द कंपटीशन इज मेड थ्रू विच स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वाइटेड टू फ्रेम क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो हम सीधा क्वेश्चन उनको पूछेंगे, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड बाय एनसीईआरटी, तो इस क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करेगी एनसीईआरटी और वहां पे भेजेगी और जो प्रोग्राम में फीचर होगा। तो इसके लिए आपको जो जो चीजें यहाँ पे भेजनी है वो एक क्वेश्चन है और सिंपल सा आपके पास एक ईमेल आईडी फोन नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओटीपी से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे तो इस बार क्वेश्चन पूछेंगे वो भी, और पिछली बार जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको भी यहाँ पे प्रीवियस एडिशंस में जो जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछे हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मीडिया चैनल के द्वारा उनको बुलाया जाएगा। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी है आपको इंटरेक्ट करने की मीडिया के साथ। तो अगर आपका क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट होता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या करना है, स्कूल क्या क्या करेगा। तो स्कूल को इसके लिए यहाँ पे कि प्रमोट जितना भी हो सके, जितने लेवल पे हो सके कर सकते हैं, हर कोई इसको प्रमोट कर सकता है ऐसा लिखा है। जैसे एडॉप्ट इनोवेटिव मेजर्स टू प्रोपोगेट एंड प्रमोट दिस इनिशिएटिव, तो इसको प्रोपोगेट प्रमोट करने का जितना भी इनिशिएटिव लिया जाए उतना हम ले सकते हैं। टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एग्जाम स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स, सभी के अंदर से एक एग्जाम का जो हाउ है उसको कम करने की कोशिश की जाए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश की जाए। सोशल मीडिया पे आप #PPC2024 लिख करके इसको इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका दिया है कि हर स्कूल अपना पोस्टर या तो कोई भी कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के कंपटीशन रख करके अलग अलग वीडियोस या तो पीपीटी या तो जो भी है अलग अलग चीजें बना सकते हैं और इसको जिसका भी जितना भी फहरा सके उतना फहरा सकते हैं। उसके बाद है इवेंट प्रोग्राम, जो भी होगा पोस्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होता रहेगा। क्रिएटिव वीडियोज अमंग दोस दिस शैल बी एग्जिबिटेड ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे ये
एग्जिबिट भी होगा, जो भी इनोवेटिव वीडियो होगा, अच्छा वीडियो होगा, अच्छा कंटेंट होगा, उसको डिस्प्ले द क्रिएटिव प्रोग्राम्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, और स्कूल पे जो अच्छे अच्छे प्लेसेस अच्छी जगह पे है वहां पे ये बैनर बना करके या तो किसी न किसी तरीके से एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट बना करके हम इसको रख सकते हैं। एनश्योर मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, तो जो भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। यहां पर भी ये दिया है लिंक तो शायद वही है, वो अगर देखते हैं अगर ओपन होता है तो मैं आपको बताऊंगा, भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये था आपका परीक्षा पे चर्चा 2024 पीपीसी 7th एडिशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी क्लास 6-12 के स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए अपडेट के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।